हेलो व्यूअर्स, नरेशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो नरेशन से जुड़े कुछ स्पेशल रूल्स शुरू किए थे। आज इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो या दो से अधिक पार्ट्स हो, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच दो या दो से अधिक पार्ट्स में बटे हों, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें एक साथ ले आया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। वेदर यू फॉरगेट मी, सी सेड टू मी, आई शैल ऑलवेज रिमेम्बर यू। उसने मुझसे कहा, चाहे तुम मुझे भूल जाओ, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। तो इसमें देखिए, सी सेड टू मी, जो सेड यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट है, वो तो बीच में है, और उसके आगे और पीछे रिपोर्टेड स्पीच का दो पार्ट्स हैं। जब हम इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्हें आपस में ले आएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लाया जाता है, जैसा कि हमने स्पेशल रूल्स के पहले नियम में ही पढ़ा था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, वो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस पहले वीडियो के बाद ही इस दूसरे वीडियो को आप शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, हम इसको बनाते हैं। सी सेड टू मी, सी सेड को बदलते हैं टोल्ड में, मी उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को डेट में, वेदर यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा आई, फॉगेट वी वन है, वी टू हो जाएगा फॉगोट, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी सी के अनुसार हो जाएगा हर, फिर आगे से आई आया फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार, सी सेल है जो बदलेगा सूड में, लेकिन सी के अनुसार सेल ना होकर बिल होता है, तो बिल के लिए यूज करेंगे वुड ऑलवेज। उसके बाद रिमेम्बर यू, यहाँ देखिए रिमेम्बर भी वन ही रह जाएगा क्योंकि मॉडल के बाद भी वन का यूज होता है। यह हमने चेंज ऑफ टेंस रूल में पढ़ा था, और जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है, वो ऊपर आई बटन में इसे ज़रूर देखें। अब अगला रूल में हम लोग आते हैं। अगले रूल में आने के पहले देखिए, इसको देखते हैं। जो सेकंड पर्सन है यू, यू जो है वो ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलना है, तो यहाँ यू ना होकर मी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, सी सेड टू मी, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ मी होगा ना कि यू आएगा। अब हम अगले रूल में आते हैं, जो रूल नंबर 6 है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओके, ओ, वेल ये सब का यूज़ सामान्य रूप तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हटा दिया जाता है। इस सामान्य रूप में मतलब समझिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द आया उसके बाद कॉमा रहे, तो समझिए कि सामान्य रूप में यूज हुआ, यानी यह है जो केवल कर्सी के रूप में है, इसका सेंटेंस में कुछ विशेष मतलब नहीं है, सिर्फ कर्सी निभाने के लिए है। तो वैसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय इन सब शब्दों को हटा दिया जाता है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। दी टीचर सेड, सेड को बदलते हैं टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमें होगी, अंदर यू है सेकंड पर्सन, टोल्ड मी ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो मानना होगा, सेड लिखकर मान भी सकते हैं। डैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट टीचर के अनुसार हो जाएगा ही, इस वेल को क्या करेंगे, हटा देंगे रूल के अनुसार, ही के अनुसार विल, विल का हो जाएगा वुड, टीच टीच भी वन रह जाएगा, अभी हमने ऊपर बताया था मॉडल प्लस भी वन, यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार मी, और टुमारो को बदलेंगे दी नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे में। तो इसके बाद हम फिर अगले रूल में चलते हैं। अगला रूल जो रूल नंबर 7 है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में भीड़ या झुंड को संबोधित करने के लिए टर्म्स ऑफ एड्रेस जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आदि का यूज हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म ऑफ एड्रेस, यानी जिस टर्म से संबोधित किया गया है उस टर्म का प्रयोग करते हैं, और इसी से सेंटेंस शुरू करते हुए फिर पुराना रूल यूज करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। दी प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, डियर फ्रेंड्स मित्रों, यू हैव टू स्विच लाइट्स ऑफ योर हाउस ऑफ, आपको अपने घर के लाइट्स बंद रखने हैं फॉर 9 मिनट्स एट 9 PM, 9 बजे 9 मिनट के लिए। अब देखिए इसको बनाएंगे, हम शुरू करेंगे एड्रेसिंग शब्द से, एड्रेसिंग
एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जिससे कह रहा है वही ऑब्जेक्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर किससे कह रहे हैं, आम जनता से, दी पीपुल, एड्रेसिंग दी पीपुल, इसमें उस टर्म का यूज़ नहीं हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है जिसको डालना होगा अपने तरफ से, एड्रेसिंग दी पीपुल, उसके बाद एज, एज के बाद लिखना होगा उस टर्म का उल्लेख करना होगा जिससे इन्होंने एड्रेस किया है, तो किस टर्म से, डियर फ्रेंड्स, तो एज डियर फ्रेंड्स, यही था एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म ऑफ एड्रेस, जिस टर्म से उन्होंने कहा है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब और उसका सब्जेक्ट यूज करेंगे, पहले दी प्राइम मिनिस्टर सेड डैट, प्राइम मिनिस्टर सेड डैट। अब देखिए सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट कौन है, पीपल, तो दे हैज हैव को बदलेंगे, हैज हैव को हैड में, टू प्लस भी वन है, मॉडल प्लस टू प्लस भी वन जो होता है इन्फिनिटिव होता है, इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। टू स्विच लाइट्स ऑफ योर सेकेंड पर्सन पीपल के अनुसार, दियर हाउस ऑफ फॉर 9 मिनट्स एट 9 PM। देखिए एम पी एम हमेशा स्मॉल में लिखा था, स्मॉल में ही यूज करना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दी ओल्ड वुमन सेड टू द किंग, बूढ़ी महिला ने राजा से कहा, माई लॉर्ड आई एम अ वेरी पुअर लेडी एंड नीड योर हेल्प, महाराज मैं बहुत ही गरीब महिला हूँ और मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है। फिर यहाँ एड्रेसिंग से शुरू करेंगे, ADDRE, संबोधित करते हुए एड्रेसिंग, किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो राजा को, एड्रेसिंग द किंग, उसमें द पीपुल नहीं था लेकिन इसमें स्पष्ट है कि वुमेन ने राजा से, तो एड्रेसिंग द किंग एज, एज के बाद टर्म ऑफ एड्रेस यानी किस संबोधन से उन्हें बुलाया गया, तो माई लॉर्ड, एज माई लॉर्ड। फिर शुरू करते हैं, दी वुमेन सेड, सेड डैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ओल्ड वुमेन के अनुसार, सी इज आर एम बाज बेर में, बाज अ वेरी पुअर लेडी, एंड नीड का भी टू हो जाएगा, नीडेड योर सेकेंड पर्सन राजा के अनुसार, हिज हेल्प, हेल्प नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसको भी टू मैंने बदल लिया, यहाँ वर्ब नहीं है यह। अब हम लोग अगले रूल में आते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम या डार्लिंग शब्द का यूज हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हटा दिया जाता है, और इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब के पहले सर मैडम हटाकर रिस्पेक्टफुली लगेगा और डार्लिंग के लिए अफेक्शनेटली लगेगा, लेकिन लगेगा कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले ना कि रिपोर्टेड स्पीच में, जैसा कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, द माउस सेड टू द लायन, चूहे ने शेर से कहा, सर इफ़ यू फॉरगिव मी, यदि आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आई शैल हेल्प यू समडे, मैं किसी दिन आपकी सहायता करूँगा, इसको बनाते हैं, द माउस सेड को बदलते हैं टोल्ड में, लेकिन उसके पहले सर या मैडम के लिए लगाएंगे रिस्पेक्टफुल्ली, द माउस रिस्पेक्टफुल्ली टोल्ड द लायन डैट, यहाँ से देखिए सर हटा देंगे, इफ यू सेकेंड पर्सन लाइन के अनुसार, ही फॉरगिव का भी टू हो जाएगा, फॉरगिव मी फर्स्ट पर्सन माउस के अनुसार इट लगाइए, फिर आई फर्स्ट पर्सन फिर माउस के अनुसार, तो इसका ऑब्जेक्टिव हीट होता है, सब्जेक्टिव हीट होता है, इट के अनुसार बिल, बिल का हो जाएगा वुड, चेंज ऑफ टेंस में इसकी चर्चा है, प्लस मॉडल प्लस भी वन हेल्प, यू सेकेंड पर्सन लाइन के अनुसार, हिम समडे, तो बस यही एक वर्ड लगाना है रिस्पेक्टफुली। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका से कहा, आई लव यू डार्लिंग, तो इसमें भी डार्लिंग शब्द हटेगा और उसके जगह पे अफेक्शनेटली शब्द का यूज होगा, ही अफेक्शनेटली
सेट टू को बदलेंगे टोल्ड में, ही इज बिलव्ड डैट फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, लव का भी टू लव्ड, यू सेकंड पर्सन बिलव्ड के अनुसार हर। यहाँ डार्लिंग शब्द को हटा देंगे, उसके जगह पे हमने अफेक्शनेटली का यूज किया है। इसके पहले कि हम अगले रूल में चलें, इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा नोट देखते हैं। यदि सर या मैडम शब्द का यूज संबोधन के रूप में ना होकर, यानी उसके बाद कॉमा का यूज ना हो, सामान्य अर्थ में हो, सेंटेंस के एक उस पार्ट में हो जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करें, तो उसे हम हटाते नहीं हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, सी सेड सर इज डिलीवरिंग हिज सेकेंड लेक्चर, सर अपना दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। तो यहाँ बनाएंगे सी सेड डैट सर का सर रह जाएगा, हटाएंगे सब्जेक्ट है इज आर एम का, इज आर एम को बदलेंगे बाज में, डिलीवरिंग हिज थर्ड पर्सन नो चेंज सेकंड लेक्चर। आज हम स्पेशल रूल का लास्ट रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जेंडर पर्सन या नंबर के नाउन हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय एक को या दोनों को, एक अथवा दोनों नाउन का यूज ब्रैकेट में किया जाता है, ताकि स्पष्ट पता चल सके कि किसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है। उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा एग्जाम्पल आपके सामने है, राम सेड टू मोहन आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। इसको चेंज करते हैं, राम सेड टू को बदलेंगे टोल्ड मोहन डैट, आई फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार, ही इज आर एम बाज बेयर में, बाज योर सेकेंड पर्सन मोहन के अनुसार, हिज फ्रेंड एंड यू सेकेंड पर्सन मोहन के अनुसार, ही इज आर एम बाज बेयर में, माई फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार, हिज फ्रेंड। अब देखिए, इस ही का यूज हमने आई को ही में बदला किसके अनुसार, राम के अनुसार। इस हिज को हमने यूज किया है योर के जगह पे, जो किसके अनुसार है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मोहन के अनुसार। फिर यू को यूज किए हैं मोहन के अनुसार, ही में बदले हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार। तो यहाँ देखिए, चार जो हमने वर्ड वर्ड बदला है, ही हिज ही और हिज, लेकिन दो एक जगह ही राम के लिए है, एक जगह ही मोहन के लिए है। एक जगह हिज का यूज मोहन के लिए हुआ, एक जगह हिज का यूज राम के लिए हुआ है। इसीलिए इसको ब्रैकेट में दिया जाता है, ताकि स्पष्ट हो सके हमने किसको किस में बदला है। व्यूअर्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में और पिछले वीडियो में मिलाकर हमने स्पेशल रूल्स कंप्लीट किया है। इसीलिए मैं थोड़ा इसे लंबा भी कर दिया, कि फिर से नई वीडियो की आवश्यकता ना हो। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।